My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, we are living in the world of uncertainty and unpredictability. हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पे हमें नहीं मालूम कि अगले क्षण क्या होने वाला है. We always want a good weather. हम बहुत अच्छे मौसम को चाहते हैं. And we want our circumstances should be calm and quiet. और हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल शांत बनी रहें. But many times we have to meet the hurricanes and hailstorms and earthquakes and everything. मगर कई बार हमें तूफानों को, आंधियों को, भूकंपों को झेलना पड़ता है. Fire accidents. ऐसे आग के घटनाओं को. And slipping from the top of the tower. ऊपर से नीचे गिरने को. और सारा इलेक्ट्रिक शॉक्स या फिर बिजली के झटके खाने को. एंड कार एक्सीडेंट्स एंड इवन एरोप्लेन क्रैश होना. बट बिफोर दैट, इन सबसे पहले, हैव यू एवर थिंक व्हाई वी आर गोइंग. क्या आपने कभी सोचा है या हम सोचते हैं कि हम कहां जाते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट माय लाइफ. मैंने हमेशा अपने जीवन के बारे में बताया. आई एम अ मैन हु डाइड 3 times. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 3 बार मर चुका है. बट गॉट बैक द लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट. मगर परमेश्वर के द्वारा वो जीवन मुझे वापस मिला. कैन इमेजिन अ मैन हु ड्रंक पोटेशियम साइनाइड कैन लिव. क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पोटेशियम साइनाइड खाया हो वो जी सकता है? कैन अ मैन हु मेट विद अ लिवर प्रॉब्लम एंड डीप जॉन्डिस कोमा कैन ही लिव? क्या कोई व्यक्ति जो लिवर प्रॉब्लम के साथ साथ एक बहुत ही गंभीर जॉन्डिस के प्रॉब्लम के साथ भी बच सकता है? कैन अ मैन मेट विद अ कार क्रैश एंड डाइड कैन ही रिवाइव अगेन? क्या व्यक्ति जो कार के दुर्घटना में मारा गया क्या वो दोबारा जी उठ सकता है? बट आई एम द विटनेस फॉर दैट. मगर मैं उसकी गवाही हूँ. देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ. मृत्यु के बाद एक जीवन है. योर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी आत्मा बहुत ही कीमती है. इफ यू लॉस्ट योर सोल, अगर आप अपनी आत्मा को खो देंगे, नो यूज एट ऑल, तो कोई भी किसी काम का नहीं. वेयर आवर सोल इज गोइंग, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? वेदर इट्स गोइंग टू इटर्नल पर्डिशन और इटर्नल ग्लोरी. क्या वो अनंत काल के जीवन के लिए जाता है या फिर नरक में जाता है? एंड डेफिनेटली आफ्टर द फाइनल जजमेंट, और निश्चित रूप से अंतिम न्याय के बाद, वेदर यू आर गेटिंग योर सोल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्लोरियस मैनर लाइक जीसस एंड एंजल्स, या फिर आप अपने परिवर्तन को यीशु और स्वर्गदूतों की तरह प्राप्त करते हैं, और योर सोल which is joined with satanic forces, या फिर आपकी आत्मा शैतान के चुंगल में चले जाती. Please think about that. इसके बारे में सोचें. We can't say last minute will come, I'll get apologize. हम ये नहीं कह सकते कि आखिरी क्षणों में हम ठीक हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे. Today he is calling you. आज वो आपको बुलाता है. His salvation never delay. उसका उद्धार कभी देर से नहीं आता. We are going to see. हम देखने वाले हैं. What are the things God make reason to do that? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर तत्परता दिखाता है जल्दी करने के लिए? The first one. पहली बात. Isaiah 46 last verse. यशा 46वां अध्याय आखिरी पद. My salvation will not delay. मेरा उद्धार देर ना करेगा. My glory will not delay. मेरी महिमा देर ना करेगी. My salvation will not delay. मेरा उद्धार देर ना करेगा. My deliverance. मेरा छुटकारा. My glory. मेरी महिमा. Will not delay. वो देर ना करेंगे. Perhaps you alone saved in the family. शायद पूरे परिवार में सिर्फ आप ही बचाए गए हों. All the others might be unsaved. बाकी सारे के सारे अभी बचाए ना गए हों. But मगर today God said, आज परमेश्वर कहता है, I will make haste the salvation of others. मैं दूसरों के उद्धार के लिए जल्दी करूंगा. I have heard your prayers. मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है. This is the right time for answering. ये बिल्कुल सही समय है जवाब देने का. Look at Daniel. अब दानियल को देखें. When Daniel had been sold as a slave, दानियल को एक गुलाम की तरह बेच दिया गया. According to the prophecy of Jeremiah, यरमिया की भविष्यवाणी के अनुसार, during the reign of Joachim, योयाकीम के शासन के दौरान, his age was only 16 years. उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी. When he was being thrown into the dens of lions, जब उसको शेरों के मांद में डाल दिया गया,
His age was 90 years old. उसकी उम्र 90 साल की थी. And when the time comes, और जब समय आया, according to prophecies of Jeremiah, यरमिया के भविष्यवाणियों के अनुसार, that Israel has to suffer 70 years. कि इज़राइल को 70 साल तक कष्ट झेलना होगा. Under the bondage of slavery, गुलामी के बंधन के अंदर, under the regime of Babylonia, बाबिलोन के लोगों के नीचे, and Medes and Persians, मीड्स और पर्शिया के लोगों के नीचे, they have to suffer 70 years. उनको 70 साल दुख भोगना था. So when the 70 years had finished, जब ये 70 साल पूरे हो गए, Daniel was asking God. दानियल पूछता है परमेश्वर से. Daniel chapter 9. दानियल नवा अध्याय. Verse 18 and 19. उसमें 18-19. Lord, do not delay. हे प्रभु देर ना कर. Please remember the ruins and desolation of our own country, Jerusalem. हमारे अपने शहर यरूशलेम के खंडर हो और उसके अव्यवस्था को ध्यान में रख. Please save our country. कृपा करके हमारे देश को बचा. Please deliver our people. हमारे लोगों को तू बचा. Please do that. कृपया ये करे. Don't do that because of righteousness. सिर्फ एक धार्मिकता के कारण ना करे. But because of your name. मगर अपने नाम के निमित्त वो करे. Because of your name. अपने नाम के निमित्त करे. Every Bible name. बाइबल में पाए जाने वाले हर नाम का have a meaning. एक अर्थ होता है. Have a meaning. एक अर्थ होता है. So many times when they come for prayer. कई बार जब वो प्रार्थना के लिए आते हैं. I ask the name. मैं उनके नाम को पूछता हूँ. Put a Christian name. या फिर मैं एक मसीह नाम को डालता हूँ. I used to ask Lord. और मैं परमेश्वर से पूछता हूँ. Because of this. हे प्रभु इस कारण. Because of the Christian name. क्योंकि इस मसीह नाम के कारण. Because. क्योंकि to bring forth glory to your name, ताकि आपके नाम को महिमा मिल सके. Please save them. उनको बचा ले. Please save them. उनको कृपया Please बचा ले. Please bring forth salvation. उनको उद्धार दे. Same manner Daniel also was asked. उसी तरह से दानियल ने भी पूछा. And I told in the beginning. मैंने आपको शुरुआत में बताया. My missionary train was crying. मेरा मिशनरी दोस्त रो रहा था. For the salvation of his own elder brother. अपने खुद के बड़े भाई के उद्धार के लिए. Along with his mother's prayers. उसके माँ के प्रार्थनाओं के साथ साथ. And one day mother died. एक दिन माँ की मृत्यु हो. Mother went to heaven. माँ स्वर्ग चले गए. But for funeral. मगर उसके funeral. All the children came. सारे बच्चे आए. The train elder brother was in a very high position. वो बड़ा भाई एक बहुत ही ऊंची पदवी पर था. In the world level. पूरे वर्ल्ड लेवल में. So he went to funeral. वो भी उस फ्यूनरल में आया. What's happened? वहाँ पे क्या हुआ? When he saw the funeral. उसने जब फ्यूनरल देखा. For the first time he repented. पहली बार उसने पश्चाताप किया. Mother went to heaven. माँ स्वर्ग चले गई. But the first son received salvation. और पहला बेटा उद्धार को प्राप्त करता है. It seemed to be very late. ये बहुत ही देर से होता प्रतीत होता है. Because mother was praying for 46 years for the salvation of his own first son. क्योंकि माँ 46 साल तक अपने पहले बेटे के उद्धार के लिए प्रार्थना करते रही. But that was in time. मगर वो समय सही नहीं था. Similarly. उसी तरह God is stocking up and piling up all your prayers. परमेश्वर आपके सारे प्रार्थनाओं को सुनकर इकट्ठा करके in रखता his appropriate time, है और उसके सही समय पर He will answer. वो जवाब देगा. He will answer. वो जवाब देगा. He will certainly answer. वो बिल्कुल जवाब देगा. There was a man in New Zealand. एक व्यक्ति था न्यूजीलैंड में. His name is Ian. उसका नाम इयान था. His mother was a very pious and prayer-filled woman. उसकी माँ बहुत ही धार्मिक और एक पवित्र औरत थी. But Ian, परंतु इयान, after he studied well, अपनी अच्छी शिक्षा के उपरांत, he became a traveler. वो दुनिया भ्रमण करने वाला बना. All over the world. पूरे संसार भर में. If you see national geography, अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देखेंगे, you can see all these people are traveling in the forest and riverside and everywhere, you know. आप देखेंगे कि जंगलों में, पहाड़ों में, अलग-अलग जगहों में लोग घूमते हैं. And sometimes they will catch the crocodile, sometimes they play with anaconda or something like that.
और कभी कभी मगरमच्छ को पकड़ते हैं या फिर बड़े अजगर को पकड़ते हैं ऐसा कुछ. So just like that he became. उसी तरह से वो भी बन गया. And he was wandering here and there, jolly-billy. और वो इधर उधर घूमता रहता था वही उस पर विश्वास करता था. कभी प्रार्थना नहीं किया, बाइबल कभी ना छुआ और बहुत ही आसान मजे की जिंदगी जीता था. Back in home, मगर घर में mother was crying. माँ रोती थी. When he was below 18 years, क्योंकि वो जब 18 साल की उम्र से mother always asking, उससे हमेशा माँ ने पूछा, यान, have you read the Bible? क्या तुमने बाइबल पढ़ा? What a go! She always pressing me like this. क्या परेशान करती रहती हो, हमेशा यही पूछती रहती हो. Have you prayed? क्या तुमने प्रार्थना किया? Mother never worry about my food at all. She always worry about my prayer. माँ को मेरे खाने की चिंता नहीं है, मगर मेरी प्रार्थना की हमेशा पड़ी रहती है. 18 years mother was insisting. 18 साल माँ उसके पीछे पड़ी रही. But not turning back. मगर वो वापस ना मुड़ा. So after 18 years, 18 साल के बाद, Ian was free. अभी यान स्वतंत्र था. After 18 years, 18 साल के बाद, nobody can ask in foreign country. विदेशों में कोई भी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता. Now it becomes 16 years. अब वो सीमा 16 साल की हो गई है. Until 16 year only they will obey to father and mother. 16 साल की उम्र तक ही वो अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानेंगे. Afterwards they become free man. उसके बाद वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं. Nobody knows what they are doing in the college. किसी को नहीं मालूम कि कॉलेज में वो क्या कर रहे हैं. Nobody knows whether they have girlfriend or boyfriend or so many other things. और या फिर उनके पास girlfriend है, boyfriend है या कुछ और है. But मगर mother was still praying. माँ अभी भी प्रार्थना कर रही थी. Still crying and crying. अभी भी रो रही थी और रो रही थी. Mother was crying like anything. माँ उसकी बहुत रो रही थी. And no change in son. मगर बेटे में कोई बदलाव ना आया. One day. एक दिन. He went to Indonesia. वो इंडोनेशिया गया. And then far islands. एक बहुत दूर एक द्वीप में गया. He just took a small boat. उसने एक नाव ली. And jellyfish slash him like anything. और एक जेलीफिश ने उसको आके डंक मारा. If jellyfish slash you, और एक जेलीफिश अगर मारती है आपको, he will die. आप मर जाएंगे. Within 2 hours. 2 घंटे के अंदर. No remedy at all. उसमें कोई बचाने का तरीका. No remedy. उससे बचने का कोई तरीका नहीं. Jellyfish again slash him. जेलीफिश ने बार बार उसको मारा. He has become serious. और वो बहुत गंभीर हो गया. Admit in the hospital. अस्पताल में भर्ती हुआ. On the way. और रास्ते में. There was an Indian auto driver. एक ऑटो ड्राइवर था जो कि इंडियन था. He stopped him. उसने रोका. Please take me to hospital. मुझे अस्पताल लेके जाओ. And he was asking. और वो पूछ रहा था. You the drunkard have dollars? क्या तुम शराबी के पास डॉलर हैं? He said no dollars. उसने कहा नहीं है. These travelers always carry a credit card, you know. ये सफर करने वाले हमेशा क्रेडिट कार्ड रखे चलते हैं. Then the Indian driver threw him out. और इंडियन ड्राइवर ने उसको बाहर निकाल दिया. Then after some time, उसके बाद कुछ थोड़ी देर बाद, another native man in the came in the car. एक और व्यक्ति वहाँ का जो रहने वाला he था, he took him inside. उसने उसको अंदर लिया. And just say, और उसने कहा, come to bar. चलो मेरे साथ बार में चलो. Come to bar. शराब पीने चलो. But he was dying. मगर वो मर रहा था. He was telling, वो कह रहा था, get me to hospital. मुझे अस्पताल ले चलो. Get me to hospital. मुझे अस्पताल ले चलो. And somehow that man got mercy and threw him the hospital. और किसी तरह उस व्यक्ति ने तरस खाया, उसको अस्पताल छोड़ दिया. Same time was so angry. और उसी के साथ साथ क्रोधित था. I become all right. जब मैं ठीक हो जाऊंगा, I'll bombard the Indian driver. उस इंडियन ड्राइवर को मैं बहुत सिखाऊंगा. And this car driver also. और इस कार ड्राइवर को भी. So he admitted. और वहाँ पे एडमिट हुआ. An African doctor came. एक अफ्रीकन डॉक्टर आया. And he started treatment. उसने उसके ट्रीटमेंट शुरू किया. Openly cut his stomach. उसके पेट को ऐसे ही काट दिया. No anesthesia, nothing. Anesthesia कुछ नहीं दिया, ऐसे ही. And while was cutting, और जब वो काट रहा था, he said, उसने कहा, don't close your eyes. अपनी आंखों को बंद ना करना. The day when you close your eyes, you surely die. जिस क्षण तुम आंखों को बंद करोगे, तुम मर जाओगे. But he was telling, मगर वो कह रहा था, burning, burning, burning. अरे जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है. That's the jellyfish reaction, you know. Jellyfish का reaction इसी प्रकार से होता है. But the doctor said, मगर डॉक्टर ने कहा, let me cut. मुझे काटने दो. And find out where's the poison went. मुझे देखने दो कि जहर कहाँ गया है. And doctor couldn't do anything. मगर डॉक्टर कुछ ना कर सका.
So he left. वो छोड़ के चला गया. And this man died. और ये व्यक्ति मर गया. And the doctors came. और डॉक्टर लोग आए. Wrote the death certificate. डेथ सर्टिफिकेट बनाया. And put the white linen. और उसके ऊपर सफेद कपड़ा चढ़ लगाया. Went away. और चले गए. Report embassy. और एम्बेसी में सूचित किया. This man was dead. और ये व्यक्ति खत्म हो गया. Nobody came to fetch his body. कोई भी उस शरीर को लेने ना आया. After death. उस मृत्यु के बाद. His spirit came out. उसकी आत्मा बाहर आई. Start to walk. अब वो चलने लगा. All the devil came. सारी दुष्ट आत्माएं आने लगी. यान. 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 You are belongs to us. तुम हमारे हो. Come speedily to hell. चलो जल्दी से नरक चलो. Every devil. सारे दुष्ट आत्मा. Pounce at him. उसके पीछे. Come him to hell. उसके पीछे पड़ गए. Then he started to cry. अब वो रोने लगा. Then he started to cry. अब वो रोने लगा. Then he started to wage war. अब वो वहाँ पे लड़ने लगा. But no use. मगर कोई फायदा नहीं. Devil slowly drag him to hell. दुष्ट आत्माएं उसको धीरे धीरे करके नरक की ओर ले गए. On the way to hell. रास्ते में. Suddenly. अचानक से. There was a light. एक रोशनी आती है. Great light. तो बहुत बड़ी रोशनी आती है. Very bright light. एक चमकीली रोशनी आती है. Bright light. बहुत ही चमकीला. Jesus came. यीशु आया. And said, उसने कहा, यान, यान, यो माँ, तुम्हारी माँ, यो माँ, तुम्हारी माँ, praying for you, तुम्हारे लिए दुआ करती है, praying for you, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, only because of a prayer, सिर्फ उसकी प्रार्थना के वजह से, I forgive your sin, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, go back, वापस जा, go back to dead body, वापस अपने मृत शरीर में जा, and live for me. और मेरे लिए जिंदा रहे. I am alive. मैं जिंदा हूँ. I am your savior. मैं तेरा उद्धार करता हूँ. Because of your mother's prayer. तेरी माँ की प्रार्थना के कारण. I am giving back the life to you. मैं ये जीवन तुझे वापस देता हूँ. So Ian got back the life. तो वो Ian को जीवन वापस मिल गया. And today. और आज. He is a very famous evangelist. बहुत ही famous evangelist है वो. So God. परमेश्वर कर सकता है. God can do. परमेश्वर कर सकता है. Perhaps you might think. शायद आप सो. How long I praying for this son? कितना समय अपने बेटे के लिए प्रार्थना. How long I pray for my daughter? कितने समय अपने बेटी के लिए प्रार्थना. How long I pray for my daughter? कितने समय अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करूं. How long? कितना समय. God says. परमेश्वर कहता है. My salvation. मेरा उद्धार. Will not delay. वो देर ना करेगा. Because Jesus already died on the cross. क्योंकि यीशु पहले से ही क्रूस पर मारा जा चुका है. The payment had been made. जो कीमत है चुकाई जा चुकी है. Every person. हर व्यक्ति को. Has to be repented. पश्चाताप करना है. And to be saved. और उद्धार Jesus came. यीशु आया. In order to save. उनको उद्धार देने के लिए. Which is rotten. जो सड़े हुए थे. Which is putrefied. Which is lost. जो खो चुके थे. Which is lost. बिल्कुल खो चुके थे. Think someone who is lost. ऐसा जो कुछ किसी ने खो दिया हो. Do you have someone who is lost? क्या ऐसा कोई है जिसको आप खो चुके हो? Tell his name. उसका नाम ले. Lord, I want this soul to be repented. और कहे मैं प्रभु चाहता हूँ कि ये आत्मा बचाई जाए. Lord, I want my sister to repent. प्रभु चाहता हूँ कि मेरी बहन बचाई जाए. Lord, I want my brother to repent. मेरा भाई पश्चाताप करने पाए. Lord, I want these people to repent. ये लोग पश्चाताप करने पाए प्रभु. Just open your mouth and say. अपने मुंह को खोले और कहें. Lord, I want my neighbor to repent. मेरा पड़ोसी पश्चाताप करने पाए. Lord, I want my colleague to repent. मेरा साथी पश्चाताप करने पाए. Lord, I want my school teacher to repent. मेरे स्कूल टीचर पश्चाताप करने पाए. How long I have to wait? कितना समय इंतजार. How long I have to wait? कितना समय इंतजार करूं? Oh Jesus. हे प्रभु यीशु. Those really shed tears. जो सच में आंसू बहाते हैं. Those kneel down. जो घुटने टेकते हैं. And ask for salvation. और जो उद्धार के लिए दुआ करते हैं. Give them salvation. उनको तू उधार दे. Let them see a crucifixion. होने पाए कि वो तेरे क्रूस पे चढ़ाए बाने जाने को देख नहीं पाए. Let them see a blood. वो आपके लहू को देख नहीं पाए. Just now cleansing them from all sins. और उनको सारे पापों से तू छुटकारा. Please master. कृपया प्रभु. As they are crying for the past sins.
उनके पुराने पापों के लिए वो रोते हैं तो प्लीज फॉरगिव देम उनको आप क्षमा करें सेव द सोल उनकी आत्माओं को तो बचा सेव द सोल ऑफ आवर आंटी और अपनी हमारी आंटी के आत्मा को बचा सेव द सोल ऑफ माय फादर मेरे पिता के आत्मा को तो बचा सेव द सोल ऑफ माय ब्रदर मेरे भाई के आत्मा को तो बचा सेव द सोल ऑफ माय टीचर मेरे टीचर के आत्मा को तो बचा सेव द सोल ऑफ माय डॉटर सन मेरी बेटियों को मेरे बेटों को तो बचा हियर आवर प्रेयर्स हमारी प्रार्थना को तो सुन दे कांट बी डिलीवर्ड फ्रॉम बैड हैबिट्स अगर उनको बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिल सकता राइट नाउ हियर आवर प्रेयर हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन हियर आवर प्रेयर हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन लेट देम बी डिलीवर्ड फ्रॉम बैड हैबिट्स उन बुरी आदतों से उनको छुटकारा मिलने पाए मिस्टर पी अलेक्जेंडर यू आर क्राइंग फॉर सल्वेशन आप उद्धार के लिए रोते हैं द सल्वेशन इज कमिंग इन योर हाउस और वो उद्धार आपके घर में आ रहा है Who is this Soumya? ये सौम्या कौन है सौम्या सौम्या You are crying for the salvation of your dad. आप अपने पिता के उद्धार के लिए रोती हैं And your husband. अपने पति के लिए The Lord Jesus salvation is coming. और वो उद्धार आ रहा है And it will never delays. और वो और देर ना करेगा Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु Who is this Roni? ये रोनी कौन है Roni you are asking for salvation of your husband. रोनी आप अपने पति के उद्धार के लिए All bad habits. वो सारी बुरी आदतों से छूटने के लिए coming. वो आ रहा है It's coming. वो आ रहा है Who is जीव रत्नम ये जीव रत्नम कौन है जीव रत्नम जीव रत्नम Your brother and uncle are drunkards. आपके भाई और अंकल पियक्कड़ हैं You are crying for salvation. उनके उद्धार के लिए आप रोते हैं. Salvation is coming right now. और वो उद्धार अभी आने वाला है. Receive salvation. उसको ग्रहण करें. Let the closed door be open for the Lord Jesus. वो बंद दरवाजे परमेश्वर के लिए खुल जाएं. Bring for their salvation. वो उद्धार आने पाएं. Like the floods from the dam. जैसे एक बांध से सैलाब निकलता है. Lord Jesus. हे प्रभु. I love the souls. इन आत्माओं से मैं प्रेम करता हूँ. Save them. उनको तो बचा ले. Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Salvation of the souls very important. आत्मा का उद्धार बहुत जरूरी है रिसीव दैट टुडे उसको आज आप ग्रहण करें गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको आशीष आमीन आमीन व्हाट इज योर गुड नेम ना पेरा आंजनेय प्रसाद हाउ डू यू फील आई मेड अ कोवेनेंट विद गॉड इफ यू कॉल मी आई वुड लाइक टू टेस्टिफाई ऑल माय प्रॉब्लम्स टुडे दे हैव गॉन मैंने प्रभु के साथ एक निबंधन किया अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर गवाही दूंगा मेरे सारे परेशानी दूर हो जाएगी व्हेन यू आर कॉलिंग मी That time I found a heavy shower of Holy Spirit on me. जब आप मुझे बुला रहे थे मैंने देखा एक भारी जल प्रवाह की तरह पवित्र आत्मा मुझ पर उतर रही थी प्रसाद how many years want this kind of experience? प्रसाद कितने सालों से आप इस तरीके के अनुभव को पाने की इंतजार कर रहे हो Nearly 25 years नीचे ट्राई चेस्ट Hallelujah! कुछ 25 सालों से इंतजार कर रहा हूँ He wants his anointing. ये अभिषेक के लिए इंतजार कर रहा है That's why God sent me to Vijayanagar. इसलिए प्रभु ने मुझे विजयनगर भेजा और हम आशा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में और परिवार में ग्रहण किया है हमें आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस आपकी प्रार्थनाओं और सहयोग के द्वारा हिंदी में एक मैगजीन तैयार करने जा रहे हैं और ये मैगजीन 2 महीने में एक बार छपाई जाएगी वार्षिक जो शुल्क होगा ₹120 होगा आप मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के पते पर अपने पते को भेज सकते हैं और अपने चेक या डीडी के द्वारा आप इस मैगजीन को मंगवा सकते हैं हमारे ही टीवी प्रोग्राम को अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपनी भेंट और सहायता के द्वारा तो आप एक प्रोग्राम के लिए ₹12,000 मदद कर सकते हैं और अकाउंट्स की जो डिटेल है वो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर दी गई है और हम आपसे निवेदन करेंगे जब आप अपनी राशियों को भेजते हैं कृपया आप अपने फोटो और अपने नाम को जरूर भेजें ताकि प्रोग्राम के अंत में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें यदि आप चैरिटी काम करना चाहते हैं तो आप हमारे SGSF ट्रस्ट को आप मदद और सहायता भेजने के द्वारा कर सकते हैं और SGSF ट्रस्ट के द्वारा अनाथों को और जो बच्चे कुचले हुए हैं जो बच्चे बीमार हैं मानसिकता से परेशान हैं उन बच्चों को सहायता भेजी जाती है अगर आप SGSF ट्रस्ट के नाम से अपनी धनराशियों को भेजते हैं तो आपको ATGIT के तहत
आपको जरूर छूट प्राप्त होगी।